Hey buddies, welcome to the story बेहद। तो guys, स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि घर पे श्रेया अकेली होती है और आदर्श उससे क्लोज आ रहा होता है। श्रेया तो उसको बहुत मना करती है कि मेरे पास से मत आओ, मुझसे दूर रहो, लेकिन आदर्श उसकी एक भी नहीं सुनता और वो श्रेया के क्लोज आने जाता है और बोल रहा होता है प्लीज़ बस एक नाइट, और उसे घूर रहा होता है अपनी गंदी नज़रों से। तो श्रेया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता कि उसे घूर रहा है। तो आदर्श को बोल रहा था प्लीज़ दूर हटो मुझसे, लेकिन आदर्श वो बार बार श्रेया को छूने की ट्राई कर रहा था लेकिन श्रेया से छूने नहीं दे रही थी। और उस वक्त कृष्णा घर पर नहीं थी, इसी बात का आदर्श फ़ायदा उठा रहा था। और आदर्श ने कुछ प्लान भी किया था जिससे कि कृष्णा घर पर ना पाए या फिर बहुत लेट आए, लेकिन आदर्श ने जो भी प्लान बनाया था वो वर्क करेगा या नहीं इसका कोई पता नहीं था, क्योंकि आदर्श अभी भी कृष्णा को ठीक से जानता नहीं था। जिस दिन वो जान जाएगा आई थिंक उसके घूरने से वो डर के हमारे काँपेगा, लेकिन इस बारे में आदर्श को भी कुछ भी नहीं पता था। और जब कृष्णा को पता लगेगा कि उसने श्री को हाथ लगाने की कोशिश की है जो भी गलत तरीके से, तो वो उसका क्या हाल करेगी, उसे इस बात का कोई भी अंदाज़ा नहीं था। अगर अंदाज़ा होता तो शायद उसे कभी हिम्मत भी ना करता। तो अब देखते हैं कृष्णा क्या करती है। अभी तो घर पर थी नहीं, अभी तो श्री बहुत रोई जा रही थी, अब उसकी आंखों में से आंसू आने लगे थे, उसे दूरने के लिए बोल रही थी। और अब श्री दीवार के लग चुकी थी क्योंकि दीवार पास में ही थी, तो दीवार के लग जाती है तो आदर्श बोलता है अब तुम कहीं नहीं आ सकती। ऐसे बोले क्लोज आता है, दीवार के साइड पर हाथ रख लेता है और कृष्णा उसके बीच में फंसी होती है, सॉरी श्री उसके बीच में फंसी होती है और श्री के वो क्लोज आता है, उसे किस करने की ट्राई करता है, उसके लिप्स के क्लोज आता है लेकिन वो अपना उस चेहरा मोड़ देती है और वो आदर्श को मारने की कोशिश करती है, लेकिन आदर्श है वो दूर बिल्कुल भी नहीं हटता है, वो बल्कि उसे इंजॉय करने लगता है। उसे मार जब मारती तो बोलता है ऐसे क्या मार रही हो, और तेज मारो तभी तो मज़ा आएगा, वो ऐसे बोल रहा होता है जिसके कारण शेर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि वो शेर से ऐसी बातें कर रहा होता है कैसे कोई अच्छा कहाँ लगेगा जब कोई ऐसी बातें करेगा। तो वो मार रही होती है, उसे दूर हटने के लिए बहुत कोशिश कर रही होती है लेकिन हट नहीं पा रही होती है, वो कोशिश करती कोई दूर रहे उसे ना छू पाए, लेकिन वो छूने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा था, उसे बार बार छू रहा था, शेर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अब क्या ही कर सकती थी, उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे जैसे उसकी उम्मीद खोने लगी थी। तभी उसे एक आवाज़ आती है जॉनी की, क्योंकि जॉनी वहाँ पे आ चुका होता है। तो जॉनी की आवाज़ सुन करके आदर्श पीछे हटता है और बोलता है ये कौन रह गया अभी, इसका क्या करूँ, ऐसे बोल रहा होता है, लेकिन वो भी जॉनी के अंदर जानता नहीं था, जॉनी कोई आम लोग तो था नहीं, वो बहुत खतरनाक था, किसी को भी देख लेता काट लेता, लेकिन अब तक वो सिर्फ उसकी वजह से चुप था। लेकिन जब वो शेर की आंखों में आंसू देखता है तो शायद वो भी कहीं ना कहीं कुछ समझ जाता है, शायद उसमें भी इतना दिल होगा कि वो एक लड़के की फीलिंग फिर किसी की फीलिंग समझ सके। तो उसे अच्छा नहीं लगता और रुकी ने उसे कहा था कि तुम्हें शेर का ध्यान रखना है जब मैं तुम्हारे पीछे ना हूँ, तो वो अपनी बात कैसे टाल सकता है। इसलिए जॉनी वो आदर्श के ऊपर भौंकने लगता है, वो बहुत ज़्यादा भौंक रहा होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें कर रहा होता है और फिर वो जाके आदर्श पे कूदता है, उसे बाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन आदर्श नीचे गिरता ज़रूर है लेकिन उसे दूर रखने की कोशिश करता है, उसके चेहरा दूर करता है, उसके गले दबाता है, उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। और श्री समझ जाती है कि वो मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो भी वहाँ से निकलती है, भाग रही होती है, लेकिन वो जॉनी की तरफ भी देखती है और उसे याद आता है कि जो कृष्णा है वो बस इसके साथ थोड़ा खुश रहती है, क्या मैं उसे छोड़ जाऊँ। लेकिन उस वक्त उसके दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी, उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। तो वो आदर्श को हल्का सा पुल करती है और जॉनी को पीछे कर देती है और भागने लगती है। जॉनी भी श्री के पीछे पीछे भागता है और वो दोनों जा कर के एक रूम में बैठ जाते हैं, जा कर के श्री रूम को अच्छे से बंद कर देती है। आदर्श उस रूम के बाहर आकर बोलता है मैं तुम्हें छूँगा नहीं, ऐसे बोल के रूम के बाहर बहुत बहुत बोल रहा होता है। तो श्री बोल रही होती है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, वो बहुत घबरा रही होती है, बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है। और हम दूसरे देखते हैं कि कृष्णा वो जाती है अपने डॉक्टर या मेडिसिन जो फूड लेना होता है वो लेके आ रही होती है, और तभी उसको साइकिल के सामने कुछ लोग आ जाते हैं, क्योंकि अब तक जो कृष्णा थी उसे वहाँ जाने में देर सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि सड़क पर बार बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कभी ट्रैफिक, कभी कोई सामने आया था, कोई लड़ाई करने लगा था, किसी ना किसी रीज़न से वहाँ भीड़ लगी रहती। वो सोच रही थी कि आज इतना क्यों प्रॉब्लम हो रही है जाने में, रोज़ तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, वो जल्दी जाके आ जाया करती थी,
लेकिन मैं परेशान होती थी। लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तो सड़क खाली थी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी वहाँ पे, तो वो लोग खड़े होते हैं क्योंकि उनके पास में कोई रास्ता नहीं बचा होता है। और हाँ, ये सब कुछ दर्शन ही किया होता है ताकि श्री को वो अपने साथ में रख सके और श्री के साथ में वो सब कुछ कर सके जो उसने कृष्णा को कहा था करने के लिए, सिर्फ अपना बदला लेने के लिए, या फिर कुछ भी बोलो। वो एक हैवान था, इंसान के चेहरे में वो बस एक हैवान ही था। तो कृष्णा अपनी साइकिल रोकती है और देखती है किसके सामने क्यों खड़े हैं। तो वो बोलती है हट जाओ यहाँ से। तो लोग बोलते हैं क्यों, हम लोग क्यों हटे, आज तुम घर नहीं जा सकती क्योंकि तुम नहीं जानती कि अगर तुम घर नहीं जाओगे ना तो तुम्हारे साथ कितना कुछ होने से बच सकता है, तो तुम यहीं रहो। तो कृष्णा सोचती है कि मैं यहाँ सिर्फ खड़ी हूँ, इनको हटने को बोला है, ये घर जाने से रुक रहे हैं, मतलब कोटपुतली में। और घर के नाम से उसे तुरंत श्री का ख्याल आता है और फिर आदर्श का, कि वो तो ना घर पे अकेले होंगे, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा यार, शिट, मतलब आदर्श पक्का कुछ कर रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, श्री को कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वैसे बोलती है अपने साइकिल के ऊपर बैठी होती है, बोलती है चुपचाप यहाँ से हट जाओ वरना तुम रिग्रेट करोगे कि तुमने कैसा पंगा लिया था। पर वो कहाँ मानने थे, और ऑफकोर्स वही होता है जो हमेशा कृष्णा करती है, उन्हें बहुत बुरा मारती है, लेकिन ज़्यादा नहीं मारती क्योंकि वो मारने में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। और वो अपने साइकिल को फुल स्पीड से भगाती है। आदर्श गेट के बाहर खड़ा होता है, चिल्ला रहा होता है कि गेट खोलो वरना अगर मैं अंदर आ गया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वैसे बोल रहा होता है। लेकिन श्री गेट खोलने की हिम्मत कर नहीं सकती थी और ना ही वो खोलना चाहती थी क्योंकि उसकी इज्जत पे खतरा था, तो कैसे खोल देगी। तो आदर्श गेट पर धक्का मारने लगता है, उस गेट को तोड़ने की कोशिश करता है, वो थोड़ी देर तक मारता रहता है लेकिन कुछ देर बाद में गेट टूट जाता है। और जैसे श्री की उम्मीद टूट जाती है, उसे लगता नहीं था कि गेट टूट जाएगा लेकिन वो टूट जाता है और श्री की आंखों में आंसू लगते हैं। उसकी जो उम्मीद बची थी कि वो थोड़ी देर यहाँ पर रह लेगी और थोड़ी देर में रुक के आके उसे हेल्प कर देगी, लेकिन ये भी मौका जा चुका था। अब वो क्या करती, तो वो तुरंत खड़ी होती है और बाथरूम में भाग जाती है, अपना डोर अच्छे से लॉक कर लेती है, डोर के आगे जो भी बाथरूम में चीज़ें उसे मिलती हैं वो सब कुछ लगा देती है। लेकिन बाथरूम में कितनी चीज़ें होती हैं, वो क्या ही लगा सकती थी वहाँ पे, बस एक छोटी सी स्टूल रखी थी जो भी आज लाइट ख़राब हो गई थी इसलिए वहाँ पर रखी थी, तो गेट के आगे वहाँ रख देती है कि शायद इससे कुछ हो जाए। और वो रूम था ना जो मैं लाइक वॉशरूम का, वो कुछ ज़्यादा अच्छा था, मतलब वो तोड़ना बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। दो तीन लोग साथ मिलकर तोड़ेंगे तब जाके टूटेगा, या फिर कोई भारी चीज़ चाहिए होगी जिससे कि वो एक जगह मार सकें, क्योंकि वहीं उसका लॉक था, तो इसलिए श्री वहाँ पे थोड़ी देर के लिए सेफ होती है। लेकिन आदर्श उसे बहुत गुस्सा आता है, उसे अच्छे से पता था कि वो इस दरवाजे को नहीं तोड़ पाएगा, तो सबसे पहले वो जॉनी की तरफ देखता है, जॉनी बाहर ही था क्योंकि श्री बहुत डर चुकी थी, वरना चली जाती है। तो आदर्श को बहुत गुस्सा आता है, उसे मारता है, एक दो लाते मारता है, उसके बाद उसे उठाता है और एक रूम में बंद कर देता है कि अब तो मेरे बीच में नहीं आएगा। वो बाहर बैठ जाता है श्री के रूम के, और श्री को लगता है कि वो शायद गया। वो हल्का सा डोर खोलती है, देखने लगती है और आदर्श देख लेता है, वो तुरंत खड़ा होता है, भाग के आ रहा होता है, और श्री बहुत रहती है, तुरंत डोर बंद करती है। और उसे लगता है कि नहीं, मेरे पास इतना सेफ नहीं होगा। और आदर्श जब वो भाग के आ रहा होता है ना, तो श्री को ऐसा नहीं लग रहा था कोई इंसान है, उसे राक्षस हैवान जो बड़े बुरा ना बहुत कम लगता है। श्री को बहुत डर लगा हुआ था, वो अंदर बैठी थी पर रोए जा रही थी और सोच रही थी कि क्यों ऐसा मेरे साथ में हो रहा है। रुकी सही बोल रही थी, जिससे दूर रहना चाहिए, सॉरी श्री कृष्णा सही बोल रही थी, मुझसे दूर रहना चाहिए, बट मेरी किस्मत ख़राब है, मैं भी क्या करूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है यार, गॉड मेरे साथ में से क्यों हो रहा है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, प्लीज़ प्लीज़ कृष्णा घर पर आ जाओ, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, वैसे बोल रही होती है। थोड़ी तो आदर्श बाहर बैठा रहता है, लेकिन फिर वो खड़ा होकर बोलता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अब रुको मैं अब भी आता हूँ, वो ऐसे बोलता है। लेकिन अभी श्री को लगता है कि वो कहीं जा नहीं रहा है, वो यहीं पर रहेगा, और पिछली बार की तरह शायद इस बार मैं रूम खोल ले, वो टूर खोलने की हिम्मत नहीं करती है, जब तक वो बाहर जा रहा है शायद मैं कर लूँ। तो आदर्श घर से बाहर जाता है क्योंकि वो घर में वह हर जगह देख चुका होता है, उसे कहीं पर भी हथौड़ी नहीं मिलती है, तो सोचता कि बाहर जाता हूँ, दुकान पास में थी, वहाँ जा कर के मैं जा कर के ले आऊँगा और अब इसको बताऊँगा। वो बाहर जाता है, बाहर जाने का थोड़े से आगे जाता है और कृष्णा दूसरी तरफ से घर के अंदर एंटर करती है। कृष्णा घर के अंदर एंटर करती है, देखती है कि घर दरवाज़ा खुला है, तो सोचते हैं दरवाज़ा किसने खुला छोड़ा, उसे तो रूम बंद कर देना चाहिए था, तो कुछ हुआ नहीं क्या,
या फिर कुछ हो गया? नहीं, वो बहुत घबरा जाती है। पहली बार किसी के लिए इतना घबराई थी। वो साइकिल से उतरती है, अपने साइकिल का स्टैंड भी नहीं लगाती, सिर्फ वहीं पटक के चली जाती है। अंदर भागती है, आसपास की हालत देखती है, समझ जाती है कि यहाँ कुछ तो हुआ है। लेकिन क्या श्री ठीक है? वो ऊपर जाती है, अपने रूम के पास में देखती है, देखते कि वहाँ से श्री का रूम दिख रहा होता है। श्री का रूम खुला था, उसका जो दरवाज़ा टूटा हुआ लग रहा था। तो वो पास में जाती है, देखती है तो घबरा जाती है। सोचती है नहीं, कुछ भी होना चाहिए, मैं जान ले लूँगी उसकी। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं सिर्फ इस कुछ करके कि आदाशन से हाथ भी लगाया होगा। तो अंदर जाती है, देखती कि अंदर कोई भी नहीं है। तो वो बोलती है, श्री कहाँ हो तुम? श्री अंदर रह के चिल्ला रही होती है, क्योंकि श्री कहीं नहीं दिख रही होती, पूरे घर में नहीं दिख रही होती है। तो उस रूम में जाकर चिल्लाती है वो, श्री कहाँ हो तुम? और श्री जो अंदर रो रही होती है बैठ के, उसे कृष्णा की आवाज़ आती है। वो बोलती है, कृष्णा कि तुम हो? तो कृष्णा को जैसे श्री की आवाज़ आती है, वो अपने सर पकड़ती है, सोचती है कहाँ हो तुम? मैं, हाँ मैं ही हूँ। तो बोलती है, प्लीज़ कृष्णा सच बोलना, तुम ही हो ना, या फिर ये उसकी कोई चाल है। उसे लग रहा होता है अभी उसे यकीन नहीं होता कृष्णा आ गई है, क्योंकि जो अभी थोड़ी देर तक रो रही थी, अपने हब क्या भर रही थी, सिसकिया ले रही थी, ये सोच करके कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है मेरे बचने का। उसे कृष्णा की आवाज़ आती है, उसके अंदर उम्मीद जगती है। वो डोर खोल देती है, क्योंकि उसे बढ़ा नहीं जाता। उसे पता था कि अब कुछ भी हो, अगर वो हुआ तो वैसे बचना नहीं है, लेकिन अगर श्री हुई, मतलब सूर्य कृष्णा हुई, तो मैं बच जाऊँगी। ऐसा बोल के अपन दरवाज़ा खोलती है, और सामने देखते कि सामने कृष्णा है। तो वो भाग के जाती है और कृष्णा को हक कर लेती है। और फिर हक करने के बाद में थोड़ी दूर होती है, कृष्णा भी श्री की हालत समझ जाती है कि पक्का इसने कुछ किया है। वो उससे संभालती है, बोलती है टोंट पर सब ठीक है, तुम रो मत, सब कुछ ठीक है। तो बोलती है, कुछ ठीक नहीं, तुम सही बोला था, मुझसे दूर रहना चाहिए था उसे, लेकिन तुम उसे चलो, वो बहुत बुरा, तुम्हें भी हार्म करेगा, तुम प्लीज़ चलो। वो इतना घबरा चुकी थी कि वो भूल चुकी थी कि वो कृष्णा से बात कर रही है। लेकिन उसे इस बात के बंद असर नहीं था कि आदर्श शायद वो भी फाइट कर सके, शायद वो उससे स्ट्रॉन्ग हो, वो कोई भी रिस्क नहीं लेने जाती थी। तो वो बस कृष्णा का हाथ पकड़ती है, उसे दूसरे रूम में ले जाती है। वो कृष्णा का रूम में नहीं होता, लेकिन दूसरा रूम होता है, उसके अंदर ले जाती है और बोलती है, डोर अच्छे से लॉक कर देती है, बोलती है प्लीज़ प्लीज़ कहीं मत जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो ऐसे बोल के हक कर लेती है, कृष्णा को एक मिनट के लिए भी उसे छोड़ नहीं देती, जोर पर हक कर लेती है। वो बहुत घबरा चुकी होती है, उसका दिल बहुत घबरा रहा होता है। तो कृष्णा कुछ भी नहीं बोलती है, उसे जो गुस्सा आ रहा होता है वो थोड़ी देर काबू कर लेती है। जो भी होगा बाप देखूंगी, पहले श्री को संभालना जरूरी है। तो श्री को हक करते बोलती है, काम डाउन, सब ठीक है, मैं यहीं पे हूँ, कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट में मैं हूँ ना, ट्रस्ट ना मुझ पे। तो बोलती है, तुम पे है ट्रस्ट, लेकिन अपनी किस्मत पे नहीं है, ये किस्मत मेरी बहुत बुरी है, मुझे नहीं पता क्या होगा, प्लीज़ प्लीज़ गेट मत खोलना। तो बोलती है, ओके ओके काम डाउन, यहाँ बैठो। वो बैठो, उसे बैठाती है, हक कर लेती है। उसे हक करने के बाद में उसे रब करती बोलती है, बस शांत से बैठ जाओ। उसे पानी पिलाती बोलती है, लो पानी पियो। तो वो पानी पीते घबराए भी होती बहुत ज़्यादा, उसके हाथ दूज रहे होते हैं। और श्री को देख करके कृष्णा बोलती है, डोंट वरी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? उसका हाथ पकड़ते बोलती है, ट्रस्ट में कुछ भी नहीं होगा। उसकी आंखों में आंखें डाल के सब बातें कर रही होती है, उसे हौसला दे रही होती है। तो श्री को कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्स मिलता है, उससे अच्छा लगने लगता है कि अब उसे यकीन हो जाता है कि उसे कुछ भी नहीं होगा। और तभी दूर पे आवाज़ आती है, श्री तुम यहाँ पे आ गई ना, मुझे लगा ही था तुम उस रूम से निकल गई होगी, लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम उस रूम से निकल गई। तो कृष्णा उस वक्त कुछ भी नहीं बोलते, श्री डर जाती है, वो कृष्णा का हाथ और टाइट पकड़ लेती है। तो कृष्णा उसे आंखों से इशारा करती है, डोंट वरी सब ठीक है, आपको मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी, उसने आपको हाथ लगाया ना, अब देखना मैं उसके हाथ तोड़ दूंगी। वो अपनी नज़रों नज़रों में सारी बातें कर लेती है, और श्री भी सारी बातें समझ जाती है। और श्री कुछ भी नहीं बोल रही थी, घबरा रही होती है, बोलती है प्लीज़ चले जाओ प्लीज़। उसके मुँह से भी इतनी बातें निकलती है। तो बोलता है, तुम्हारे सही से तुम यहाँ पे आ गए, तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगी यहाँ आने से? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम जानती नहीं हो मैं क्या कर सकता हूँ। और तुम्हें बिल्कुल मैं सोचूँ कि आज तुम्हें कोई बचाना चाहेगा, और ख़ास करके तुम्हारे एक स्टूडेंट है ना कृष्णा, वो तो कतई नहीं आ पाएगी, क्योंकि मैंने किया ही कुछ ऐसा है। उसके पीछे ना गुंडे भेजे, गुंडे, वो तो अभी हॉस्पिटल में घायल पड़ी होगी। तो सोचो तुम
वो यहाँ कैसे आएगी? जो आदर्श होता है वो जो घर के अंदर एंटर करता है तो देखता नहीं कि वहाँ पर साइकिल पड़ी है, देखता ही नहीं है, उसका पूरा ध्यान तो श्री पे होता है, उसकी नज़रें जाती ही नहीं है क्योंकि अभी तो उसकी नज़रों में सिर्फ हवस भरी हुई थी। वो बस ऊपर जाता है और श्री को बोल रहा होता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि वो कृष्णा उन बिंदु से लड़ पाएगी और पुत्र में बचाना जाएगी? वो कोई हीरो नहीं है, शायद तुम्हें उसने कभी बताया नहीं है कि मैं कैसे उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो कैसा गुस्सा आ रहा होता है, उसे कुछ बातें याद आ रही होती है और उसे ये याद आता है कि जब वो बहुत छोटी थी, 7-8 साल की होगी, तब पहली बार आदर्श घर पे आया था और कहीं ना कहीं पहली बार कृष्ण को अच्छा लगने लगा था कि उसकी फैमिली में कोई आया, उसकी फैमिली में उसके फेस पे एक स्माइल थी, वो उसे भैया बोलती थी, भैया आप आज कहाँ गए थे, क्या किया था? वो जब भी अपने काम जाता था तो ये बोलती थी, उसे थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा था। सिर्फ उसे आए हुए एक दिन हुआ था, उसने जब पहली बार देखा था उसका कोई भाई है जो उसे मिलने के लिए आया है, तो उसे लगा था कि हाँ शायद मैं इतनी बुरी नहीं हूँ या फिर मेरी किस्मत इतनी भी ख़राब नहीं है कि मेरी लाइफ में मेरे मॉम डैड नहीं, कोई बात नहीं, मेरे भाई मुझसे मिलने के लिए आए हैं। और उसने सुना था कि भाई बहन का रिलेशन सबसे प्योर होता है, हाँ सिर्फ सुना था। वो पहली बार किसी इस इंसान से मिलती जो उसे बहन बोल रहा था, उसे लगा था कि हाँ ये मेरी हेल्प करेगा, ये मेरे साथ रहेगा, मैं थोड़ा खुश रहूँगी, इसे बात करूँगी, हाँ कुछ दिनों के लिए आया चले जाएगा लेकिन कुछ दिन सही वो थोड़ा खुश रहेगी। वो बहुत क्यूट थी जब छोटी थी, बहुत प्यारी थी, इनोसेंट थी और बहुत प्यार से बोलती थी भैया, हाँ वो किसी से बातें नहीं किया करती थी उस एज में, बस चुपचाप अपने काम से काम रखा करती थी। बस अपने घर में जब अपने किसी से मिलती थी तो उसने इतने प्यार से सॉफ्टली किसी से बात की थी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि जिस रिश्ते को वो इतना प्योर समझती है और जिसे वो इतने प्यार से भैया बोलती है, वो तो कुछ और ही निकला था। हाँ सही समझा आप लोगों ने, उसने कृष्णा को गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी, लेकिन कृष्णा भले छोटी थी लेकिन चीज़ें सब समझती थी क्योंकि वो बचपन से अकेली रही है, उसे पता था कि लोग कैसे कैसे हैं दुनिया में। लेकिन उसने भाई से एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसे गुड टच और बैड टच के बीच में से फ़र्क पता था, इसलिए वो थोड़ा भैया को दूर रहने को बोलती थी। कुछ दिन तो वो थोड़ा दूर रहता है और कृष्णा के अंदर जो उम्मीद जगी थी वो कहीं ना कहीं कम होने लगती है। 2 दिन में जब वो भैया रहता है वहाँ पर, उसे बिल्कुल बात नहीं कर पाती है। पहले दिन तो भैया बोलती है, उसे अच्छे से बात करती है, लेकिन बाकी का 2 दिन उसे बात नहीं करते हैं क्योंकि उसके भाई ने टच ही उसे इस तरह कर दिया था कि कृष्णा अब अपनी होप बंद कर देती है, कि वो होप लगाना बंद कर देती है, अगर मैं सोचूंगी अच्छे हैं तो कहीं बुरे निकल जाएंगे, लेकिन अगर मैं कुछ सोचूंगी नहीं तो हो सकता है ना कि सच में अच्छे निकल जाए, मैं ही गलत सोच रही हूँ। वो खुद को गलत ठहराने की कोशिश कर रही होती है कि उसके फैमिली में कोई तो आएगा। उन छोटी छोटी आँखों में एक उम्मीद थी अपने भैया को देख करके, लेकिन वो उम्मीद उस दिन ख़त्म होती है, लेकिन जिस दिन उसके भैया वो सेम काम करते हैं, उसे गेम खेलने को बोलते हैं लेकिन उसे गलत तरीके से टच कर रहा होता है, तो कृष्ण बोलती है मुझसे दूर हट जाओ, वो नहीं हट रहा होता है, तो कृष्ण धक्का मारती है अपने कमरे में भाग जाती है। जब उसके भैया रूम के पास आता है, उसका डोर का था वो काफ़ी ऊंचा था लॉक करने का, इसलिए वो लॉक भी नहीं कर पाती है, उसे छोटी बच्ची थी यार वो क्या कर लेती है, तो अंदर जाके बैठ जाती है। उस दिन वो बहुत डरी होती है, उसे लग नहीं रहा होता है कि जिसको वो भैया बोलती थी प्यार से, वो जो कोई राक्षस है, उसे पहली बार एक इंसान के चेहरे में राक्षस दिखाई दे रहा था। अब तक सिर्फ उसे लोग हार्टलेस लगते थे, लेकिन अब तो वो इंसान भी नहीं लगते थे, उसे हैवान लगते थे, और लगे भी क्यों ना, आखिर में वो एक छोटी सी बच्ची थी और उस वक्त उसके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें भर दी गई थी ना, उसके मॉम डैड को उसे छोड़ देना और साथ ही साथ उसके भाई जो उसे मिला वो भी ऐसा, तो वो उम्मीद भी कहाँ से करती। तो कृष्णा मन रूम में आके बैठ जाती है, वो भाग के आता है ऊपर और वो कृष्णा को रूम दरवाजे खोलते बोलता है, तो मैं क्या तुम उसे बच पाओगी? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे मुल्क के पास में जाता है कृष्णा, उसके पास एक फ्लावर पॉट होता है, वो उसे लेती है, घबराहट के मारी सही, लेकिन वो सही काम कर देती है, उसके सर पर फोड़ देती है, और जिस वक्त सर पर फोड़ उसको भाई नीचे गिर जाता है, तो कृष्णा को उस वक्त गुस्सा आया होता है, उसका जो डर था गुस्से में बदल जाता है, और शायद तभी से वो ऐसी बन गई थी कि उसकी जो इनोसेंटनेस थी वो सिर्फ उसकी आंखों तक रह गई थी, बचा था तो सिर्फ गुस्सा और कुछ बचाएगी नहीं, ये बचता भी तो कैसे, कैसे ने आज तक प्यार नहीं दिया, तो गुस्सा दूर करने वाला कोई नहीं था, उसे समझाने वाला कोई नहीं था कि दुनिया में सभी इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, तुम्हें शायद अब तक सही इंसान नहीं मिला है या फिर तुम सही इंसान को जानना भी नहीं चाहती हो,
क्योंकि वो छोटी थी, जो उसे इंसान दिखाई दे रहे थे बस वो वैसे समझ रही थी और वैसे ही अब भी बन रखी थी। कृष्णा ने उस तरह से मारा था उसे, उसके बाद उसका भाई नहीं आया था। और हाँ, उसकी मोम थी वो घर पे आई थी कि उसने उसे मारा कैसे, उसका कज़न था वहाँ पे कुछ देर के लिए रहने के लिए आया था तो वो घर पे आई थी कि तुमने उसे मारा क्यों, उस पर गुस्सा करते थप्पड़ मारती है, वो बोलती है कि उसने क्या किया है। लेकिन उसकी मम्मा बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा है, बिल्कुल भी नहीं, और ऐसा किया भी होगा ना तो पक्का तुमने कुछ किया होगा। वो 1-7 साल की बच्ची से बोल रही थी कि उसने कुछ किया होगा। यार कैसे है? कैसे ऐसे कर कोई भूल सकता है? लेकिन वो भी क्या करती, उस दिन से उसके दिल में जो चीज़ें जल गई थी वो समझ चुकी थी कि उसका कोई भी नहीं है, इसलिए खुद को अनाथ बोलती थी। क्योंकि अगर उसके मोम से अपनाती भी ना ना तो भी उसके दिल में उनके लिए कोई फीलिंग नहीं थी, आज भी नहीं है। लेकिन जो उसने अपने मोम लड़के में सोचा था कि हाँ चलो मुझे दूर है, लेकिन है वो अलाइव है, मेरे मोम डैड हैं। लेकिन उस दिन के बाद में उसे ये समझ में आ गया था कि नहीं, वो उसे समाज की नज़रों में मेरे मोम डैड नहीं है। कृष्णा अंदर बैठी होती है, उसके दिमाग में सारी चीज़ें रिवाइंड होती हैं, वो सारी चीज़ें बैठ बैठ सोच रही होती है और अपनी आँखें बंद रखती है। उसकी आँखें पूरी रेड हो चुकी थी सारी चीज़ सोच करके, दोबारा उसके अंदर जहन में आकर के और वो बाहर से सब कुछ बोल रहा है कि मैंने ना उसे भी छुआ था, लेकिन वो बहुत छोटी थी पर चालाक बहुत थी, वो बच गई, पर मैं तुम्हें बहुत छोड़ूंगा नहीं। अभी उसे ना मुझे बहुत मना किया था कि मैं तुम्हारे पास ना हूँ, वरना वो मुझे नहीं छोड़ेगी। लेकिन उसे क्या पता है कि अभी वो हॉस्पिटल में है, पहले तुम मेरे साथ में एक बार, फिर उसे चोट लग चुकी होगी तो मुझे रोक भी नहीं पाएगी, और अगर तुम्हें देखना है तो देख लेना अपनी आँखों से, तुम्हें रूम में बैठा के रखूँगा, ऑडियंस बन के आराम से देखना। वो इतनी गंदी वाहियात पर दिखा रहा था कि कृष्णा से गुस्सा सहन नहीं हो रहा था, उससे रोई जा रही थी और अब वो अपनी भरी हुई आँखों से कृष्णा की तरफ देखती है। कृष्णा की आँखें पूरी रेड हो चुकी थी, अपनी आँखें बंद थी लेकिन अपना सर नीचे था, वो लंबी लंबी सांस ले रही होती है, उससे उसकी तरफ देख रही होती है, उससे उसको देखते सब सोचती है क्या इसने अपने बचपन में सब कुछ सह लिया था, मैं इस उम्र में नहीं सह पा रही हूँ, इसने कैसे सफ़र किया होगा, कैसे, क्या इसीलिए ऐसी है, कैसे इतना गुस्सा करती है, लोगों को समझ पाती है कि लोग अच्छे नहीं हैं, शायद इसलिए लोगों को जज करती है। बट छोड़ो, आई थिंक मुझे से कुछ बोलना चाहिए। वो ऐसे बोल के वो सोचती है कि मैं जैसा टूट चुकी हूँ, वो बचपन में टूट चुकी है, मैं उसे संभालूँ, लेकिन फिर सोचती है मैं क्या ही संभालूंगी, ये इतने स्ट्रॉन्ग है खुद को, जो संभाल इतने सारे संभाल रही है तो फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ संभालने के लिए। लेकिन अपनी तो उसे पूरी कोशिश करना चाहती थी, इसलिए वो कृष्णा का हाथ थामती है, कृष्णा जैसे देखती है कि उसका हाथ किस पर टच हुआ है, समझ जाती है कि कृष्णा टच किया है, तो अपनी आँखें खोलती है उसकी तरफ देखती है, उसकी आँखों की तरफ देखती है, बोलती है तुम ठीक हो? तो कृष्णा बोलती है मुझे क्या होने वाला है, और सुहागा था आपने को, आप सबके सुहाने का टाइम आ गया है, डरो मत, जितना डरोगे उतना लोग डराएंगे, सो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों को समझाना मुझे अच्छे से आता है। ऐसा बोल के वो खड़ी होती है और खड़ी होने के बाद मैं श्री को अपना हाथ देती है, बोलती है खड़े हो, वो बहुत ही बोल रही होती है, आदर्श को आवाज़ नहीं आ रही होती है, आदर्श बस अपने बकवास किए जा रहा होता है, थोड़ा खड़ा करती है और बोलती है दरवाज़ा खोलो, श्री साइड में हो जाती है, मतलब किसान थोड़ी साइड में खड़ी जाती है, उसी दरवाज़ा खोलने की हिम्मत कर लेती है, जैसे बस कृष्णा बोलती दरवाज़ा खोलो वो खोलने चली जाती है। वो एक बार के लिए सोचती है कि क्या हुआ, बस कृष्णा ने कहा तो उसने कर दिया, शायद इसीलिए उन दोनों की बॉन्डिंग आगे तक इतनी स्ट्रॉन्ग होने वाली थी कि किसके कुछ कहने से फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला था, भले वो कोई भी हो। वो कृष्णा के कहने से गेट खोल देती है तो बोलता है बहुत समझदार हो गई हो, तो पता था मैं बच नहीं पाऊँगा, और वैसे भी क्यों एक और गेट तोड़ने खर्चा कराती हो, तो अच्छा वो तुम बाहर आ गए, वरना मुझे थोड़ा वाइल्ड होना पड़ता तुम्हारे साथ में, लेकिन अब हम दोनों ठीक से अंदर आ सकेंगे, वैसे बोल के अंदर आ रहा होता है, फिर थोड़ा पीछे होती है और पीछे होने के बाद में वो थम जाती है, बस रुक जाती है, वो अपनी आँखों में गुस्सा लेके आती है क्योंकि उसके दिल में वो बातें आ जाती हैं, जैसा तुझ बोलता है कृष्णा को तो मैं देख लूँगा, पता नहीं क्यों श्री जो थोड़ी देर पहले डर रही थी सहम रही थी
वो कृष्णा के बारे में कहता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से के मारे से हाथ उठाने जाते हैं, उसे एक थप्पड़ मारते खींच करके। उसने जो करना था वो कर सकती थी, उसकी जितनी हिम्मत हुई पूरा किया उसने, उसे थप्पड़ मारा तो आज गुस्सा तो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो कृष्णा को देख करके श्री वापस हिम्मत करते उसे दोबारा मारने जाती है, लेकिन इस बार मार नहीं पाते क्योंकि आदर्श पकड़ लेता उसके हाथ को घुमाता है। तो कृष्णा को गुस्सा आ जाता है, उसे पकड़ती पीछे से उसे पीछे खींच लेती है, उसका हाथ छूट जाता है आदर्श का, श्री को छोड़ देता है और पीछे उनको देखते बोलते तुम यहाँ पे, तुम उनसे बच गई, लेकिन बच कैसे, भाग के आई हो क्या, लगता है भाग के आई हो। टेंशन मत करो, क्या हुआ श्री का कुछ कहा था तुम, डर लगने लगा, टेंशन मत करो मैं तुम दोनों का हैंडल कर लूँगा, तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं तुम्हें, ऐसा बोल के वो कृष्णा एक रोज़ा रहता है। लेकिन वो कहाँ जानता था कि इतने सालों में बहुत कुछ चेंज हो चुका था, कृष्णा भी बहुत हद तक चेंज हो चुकी थी। जब वो कृष्णा के क्लोज आने की कोशिश कर रहा था तो ऑफकोर्स कृष्णा को क्या ही करना था, उसने बहुत तेज के चेस्ट पे पंच किया और चेस्ट पे पंच करते तो वो वहीं रुक जाता है और एक सेकंड लगता है उससे कुछ फ़र्क ना पड़ा हो, लेकिन अगले ही पल उसके मुँह से खून निकालने लगता है। उसके मुँह से खून निकलता है, अपने मुँह पर हाथ रखता है और अपने हाथ की तरफ देखता है तो देखता है खून आ गया उसके मुँह से। तो वो कृष्णा की तरफ खोल के देखता है और नीचे गिरने लगता है। तो कृष्णा उसे पकड़ती है, उसके हाथ को बहुत ज़्यादा तेज़ घुमाती है और फिर जो हाथ की शोल्डर की तरफ बोन होती है उस पर इतना तेज़ मारती है कि उसकी हड्डी टूट जाती है। वो उसे बहुत बुरा मुआरजी होती है, बहुत ज़्यादा, उसके सीधे हाथ को उसने तोड़ा होता है क्योंकि ऑफकोर्स उसे लगता है कि इसी हाथ से उसे शेर ने छुआ होगा। तो कृष्णा पूछती है कैसे हाथ से छुआ था उसने, एक हाथ टूट चुकी होती है फिर भी पूछ रही होती है। तो शेर बोलती है ऐसे हाथ से मारा था जिस हाथ को तुमने तोड़ा है। तो बोलती है मैं छोड़ूंगी नहीं, ऐसा बोल के उसे बहुत मारी होती है और श्री दूर से देख रही होती है, उसे रुकती नहीं है। जब उसे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आदर्श की हालत अब ख़राब हो चुकी थी, उसके सर से खून निकल रहा, उसके मुंह से खून निकल रहा, उसके हाथ पांव हर जगह से खून निकल रहा था, लेकिन श्री को ऐसा नहीं होता कि तरस आती है, लेकिन बस वो नहीं जाती थी कि कृष्णा अपने हाथ कंधे कर एक ऐसे इंसान को मारने में और कहीं कृष्णा को उसके पीछे कैसे कौन से वैसे फील ना करने पड़े, उससे कोई प्रॉब्लम ना हो कृष्णा को। सिर्फ इसलिए वो कृष्णा को बोलती है बस रुक जाओ। तो कृष्णा रुक जाती है सिर्फ उसके एक बार कहने से, वो कुछ भी नहीं रिएक्ट करती फिर उसके बाद में। और शेर तो देखती बोलती है इसने आपके पास में इतना किया गुस्सा नहीं आ रहा, तो बोलती है आ रहा है लेकिन क्या करूँ, तुमने पूरा गुस्सा अपना इस पर निकाल लिया, ऐसे बोलकर स्माइल करती है और बोलती है अगर तुम कुछ छोड़ती तो मैं मारती ना। तो कृष्णा बोलती है ऐसे मारने के लिए जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसे भी आपसे मार लो, इतने मैं एम्बुलेंस को कॉल कर देती हूँ, इसे यहाँ से ली जाएगी, घर से कचरा साफ हो जाना चाहिए, मुझे घर में ऐसे कचरे पसंद नहीं है। वो आधे कचरा बोल रही होती है और कुछ गलत भी नहीं बोल रही होती है, वो था ही ऐसा इंसान जो मार खाने के लायक था, वो उसे वहाँ से भेज देती है। सूर्य में एम्बुलेंस रहती है, श्री उसे अच्छे से मारती है, श्री गुस्सा निकल चुका होता है उसे बताने के बाद में। श्री न जाने क्यों बस कृष्णा की तरफ देखती है, अपनी आंखों में एक छोटा सवाल होता है वो पूछने के लिए। तो कृष्णा बोलती है बोल दो जो बोलना है। तो बोलती है क्या वो सच बोल रहा था। तो हे गाइस, इसके पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो, अगर स्टोरी पसंद आई हो सो प्लीज़ टू लाइक सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज़।